हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल पबजी गेम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है हमारे कंप्यूटर गेमिंग के लिए, लेकिन वो कंप्यूटर में पेड वर्जन है, वहीं पे वो मोबाइल के अंदर फ्री वर्जन है। तो हम कैसे हम मोबाइल वाले वर्जन को अपने कंप्यूटर में किस सिमुलेटर की मदद से कैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर चला सकते हैं एकदम अच्छी वाली FPS के साथ में, तो इसमें हमें वीडियो को देखते रहना लास्ट तक और मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ टोटली एंड तक कि कैसे आप अच्छी FPS निकाल सकते हो मोबाइल वाले वर्जन में PC का एमुलेटर यूज करने के बाद में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्रोम ओपन करना है और क्रोम ओपन करने के बाद में मैंने लिंक एक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको कॉपी कर लेना। लिंक जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको कॉपी करके जस्ट आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपके पास सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा, या आपको कहीं पे लिंक नहीं मिलता है तो कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सर्च करना है टेंसेंट गेमिंग बड़ी, जैसे आप ये सर्च करेंगे तो पहला लिंक जो आएगा उसी को ओपन कर लेना, दैट्स इट। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, इस पेज तक आपको पहुँचना है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस डाउनलोड पे क्लिक कर देना। इसमें कुछ 8 MB की एक फाइल डाउनलोड होगी जो कि एक एमुलेटर होगा, जहाँ डाउनलोड होने के बाद में आपको उसे रन कर देना है सिंपली जैसे आप इंस्टॉल करते हैं वैसे। और ये आपको कुछ इंटरनेट यूजेस लेगी जिसको यूज़ करने के बाद में ये आपकी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। फर्स्ट मैं आपको लास्ट तक देखना, एक्स्ट्रा सेटिंग में मैं आपको समझा दूंगा इसके अंदर। तो कस्टमाइज़ में करके आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने किसी पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ और इसका नाम भी चेंज कर दे रहा हूँ। आपकी मर्जी इसे चेंज करना है तो कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, दैट्स इट। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद आपकी इंटरनेट यूजेज ये लेगा, मतलब ये इंटरनेट से अब डाउनलोड होने लगेगा। तकरीबन 700 से 800 MB, जैसे कि आपको पता है ही, उतनी ये MB डाउनलोड होगी। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स दिखाता हूँ जो कि इस गेम में आपको देखनी है, मतलब कि पूरा आपको PC गेमिंग वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस एमुलेटर को अगर यूज़ करते हो वहीं पे। अगर तुम यार ब्लूस्टैक वगैरह को यूज़ करते हो तो उसमें FPS ड्रॉप होती है, वहीं पे आपकी की कस्टमाइजेशन बहुत अटपटी हुई हो जाती है, FPS भी नहीं निकाल पाता, और एमुलेटर वो बहुत ज़्यादा लोड देता है आपके PC पे, जो कि आपके PC को डैमेज कर सकता है। एमुलेटर इंस्टॉल हो चुका है, अब ये गेम इंस्टॉल करेगा जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वो 700-800 MB की है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी फिलहाल इसमें इंजन डाउनलोड हो रहा है जो कि हमारा एमुलेटर है इसको गेम को चलाने के लिए। और ध्यान रहे, टेंसेंट गेमिंग बड़ी सॉफ्टवेयर जो है ये हमारा बेटा वर्जन में चल रहा है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, आपको स्मूथ गेम प्ले मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा पबजी गेम मोबाइल वाला वर्जन इंस्टॉल हो चुका है अपने PC में और ये रन हो रहा है। पहली बार रन हो में थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद मैं लॉगिन करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा गेम प्ले दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे ये एमुलेटर परफॉर्म कर रहा है। तो FPS भी आपको दिखाऊंगा। तो FPS दिखाने के लिए पहले मैं FPS वाला सॉफ्टवेयर कर लूँ, ओपन कर लूँ, दैट्स इट। बहुत जितने गेम इंस्टॉल हो रहा है उतने मैं आपको इसके कंट्रोल्स समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं WSD से मूव होगा, लेफ्ट क्लिक से फायर, राइट क्लिक से एम स्पेस से। जैसे आपको कंप्यूटर में PC गेम्स के अंदर एक्सपीरियंस मिलता है उसी टाइप का मिलेगा बिल्कुल यार। फिर लुक शिफ्ट से दबाने पर स्प्रिंट करेगा, 4, 5, 6 से स्मोक वगैरह फेंकेगा, 7, 8 से यूजिंग किट करेगा, ये अपनी मेडिकल किट, फर्स्ट एड किट, बैंडेज एंड पेन किलर वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब करने वाला है ये इस तरीके से। तो ये देखो मैंने सॉफ्टवेयर की मदद से आपको टेम्परेचर दिखा दिया। पहली लाइन में हमारे CPU का टेम्परेचर CPU से है, सेकंड जो ग्रीन वाली लाइन है इसके अंदर हमारे GPU का टेम्परेचर GPU का यूजेस, थर्ड में हमारी कितनी RAM यूज़ हो रही है, और फोर्थ की लाइन में हमारे कितना FPS आएगा हमारे गेम के अंदर। तो पहले ये लोड हो जाने देता हूँ, उसके बाद में तो आपको थोड़ा सा गेम प्ले करके दिखाता हूँ। मैं फेसबुक से लॉग इन कर लेता हूँ एक बार। ध्यान रहे, F11 अगर आप प्रेस करते हो तो ये जो गेम है वो आप पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा, यही आप यहाँ पे प्रेस करते हो फुल स्क्रीन पर भी तो भी आपका ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। तो देखो पूरा कंप्यूटर वाला एक्सपीरियंस है। थोड़ी देर के लिए गेम को लोड होने के लिए देते हैं, उसके बाद में आपको थोड़ा सा गेम प्ले करके दिखाते हैं। देख सकते हो कि हमारा सर्वर पे हम आ चुके हैं, मैच स्टार्ट होने वाला है कुछ 15 सेकंड के अंदर। तो उसके बाद आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस दिखाऊंगा
फ्रेम जो है वो थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ऑन कर रखा है भाई, मैक्स मेनली इसमें 30 FPS तक आ जाते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल आप तो करो, वो तो हाई सेटिंग में भी 30 FPS, मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है 30 FPS तक सपोर्ट कर लेता है काफ़ी अच्छी तरीके से।